तो इस एग्जांपल में हम फ्लैश फिल के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल का यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या सेल से या एक रेल से एक पार्ट को अलग करने के लिए। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि नेम है, राइट। अब इस नेम में से मुझे फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग करना है। अब इसके लिए आप जो है बहुत सारे फॉर्मूले लेफ्ट राइट मिड वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां हम जस्ट अगले वाले कॉलम में एक नाम मैनुअली टाइप करेंगे, जिसे पूजा हमने मैनुअली टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। फिर उस पी पे कर्सर रखा, फ्लैश फिल, यहां फिल के अंदर फ्लैश फिल जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई, उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही देखिए इससे पहले वाले कॉलम में जितने भी नेम थे सारे के सारे यहां पे आ गए। इसी तरह से मुझे लास्ट नेम चाहिए तो मैं यहां पे सिंह लिखा और लिखने के बाद सिलेक्ट किया और यहीं पे हम फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया तो यहां शर्मा आ गया। तो इसका यूज हम कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पे आपके सामने डेट है हमारे पास और डेट में मान लीजिए मैं कुछ डेट्स डाल देता हूं। मुझे इन डेट्स में से मंथ को अलग करना है तो यहां हम सितंबर लिखेंगे, एक मंथ लिख देंगे और फिर यहां फ्लैश फिल करेंगे, सारे मंथ अलग हो गए। उसी तरह से यहां पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इस नंबर से अगला आगे का दो डिजिट उठाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे 52 लिखेंगे, आगे का दो डिजिट उठाना 85 लिखा, कर्सर रखा और फ्लैश फिल कर दिया तो आगे का दो लेटर इसने निकाल लिया। आपने यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हैं डेसिमल्स में, जैसे कि 8536, 8596, 4563, तो मुझे डेसिमल्स अलग करने हैं तो यहां पे 0.36 लिखा, सिलेक्ट किया और यहां पे हमने कर दिया फ्लैश फिल। जैसे सिर्फ डेसिमल को अलग किया, बट प्रॉब्लम कहां होती है, प्रॉब्लम होती है जब आपके डिजिट मिसिंग होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे डाल दिया ए। अब क्या होगा कि अगर मैंने 85 लिखा, एंटर मारा, क्लिक किया और हम जब यहां जाते हैं फ्लैश फिल में तो फिर यहां आपका 85 आ गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बीच का वैल्यू, मान लीजिए मुझे लास्ट का एक वैल्यू चाहिए, दो निकालना, लास्ट की एक लेटर चाहिए तो हम यहां पे 2 को लिखा और फिर फ्लैश फिल करते हैं तो यहां देखिए इसने ब्लैंक यहां नहीं आया, क्योंकि ये सब तीन डिजिट थे ना, इसलिए तीन डिजिट इसने हिसाब से सही करेक्ट निकाला, लेकिन जैसे डिजिट कम या ज्यादा हुए इस पर आपको यहां पर दिक्कत दे दिया। तो इसलिए सारे फ्लैश फिल से काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लेफ्ट राइट मिड का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, चलिए।